20 जुलाई को 15 वार्ड वाली कसरावद नगर परिषद में 10 वार्ड से कांग्रेसी उम्मीदवारों ने विजय प्राप्त कर स्पष्ट कर दिया था कि कसरावद में इस बार नगर परिषद पर कांग्रेस का उम्मीदवार बैठेगा। निश्चित ही लंबे अंतराल के बाद आज नगर परिषद भी अपने अध्यक्ष चुन लेगी। 15 पार्षदों की इस नगर परिषद में 10 पार्षद लेकर के कांग्रेस पार्टी ने बहुमत हासिल किया था, लेकिन उसके बाद भी नगर में जिस तरीके से चर्चा चल रही थी कि अध्यक्ष कौन होगा, आज उस पर विराम लगने वाला है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के पार्षदों ने आकर के और एकजुटता दिखाई है, निश्चित रूप से लगता है कि इनके बीच में सुलह समझौता हो गया है और जनता में जो कोतूहल बना है, जबकि कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत से थी तो इसमें किसी तरीके के कोतूहल की कोई बात ही नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से अफवाहों का बाजार गर्म था उससे निश्चित रूप से लग रहा था कि कहीं ना कहीं उलटफेर हो सकता है। लेकिन आखिरी समय में जब पार्षदों ने एकता का परिचय दिया, उससे लगता है कि अब कांग्रेस में सुलह हो गया है। और निश्चित ही कोई पार्षद जो कांग्रेस की ओर से दावेदारी कर रहे थे, राजेंद्र यादव, उनका जो पार्षद प्रतिनिधि है, उनका दावा काफ़ी मजबूत दिखाई देता है। लेकिन कुछ ही समय में पता चल जाएगा कि नगर परिषद का अगला अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन जहाँ तक हमारा अनुमान है कि राजेंद्र सिंह यादव जो प्रतिनिधि है, उनकी पत्नी विमला यादव है, वही अध्यक्ष की सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही है। और जो नाराज से दिखाई दे रहे थे, लगता है कि पप्पू सोनी उपाध्यक्ष बनेंगे। कुछ समय बाद फैसला आ जाएगा, लेकिन जो हमारे अनुमान या गणित बता रहे हैं उससे लगता है कि अध्यक्ष की दौड़ में विमला और उपाध्यक्ष रचना पप्पू सोनी ही बनेंगे। कैमरामैन जाहिद अजमेरी के साथ आकिल खान, SW न्यूज, कसरावद। लेकिन इसी बीच कसरावद में नगर परिषद अध्यक्ष को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा। कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष का उम्मीदवार कौन होगा, 20 दिन के अंतराल में जनता के लिए कई समाचार चैनलों एवं अखबारों ने अपने अपने दृष्टिकोण से समाचार चलाए, जिसको लेकर कांग्रेस में चिंता नजर आने लगी और अपने पार्षदों को घूमने के लिए बाहर भेज दिया। वहां से आने के बाद जिस तरह पार्षदों ने एकजुटता दिखाई, ऐसा लगा जैसे कांग्रेस पार्टी ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है। नगर परिषद कसरावद के अध्यक्ष पद हेतु नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया आरंभ हुई, जिसमें अध्यक्ष पद के नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का अंतिम समय 11:30 बजे तक था। अध्यक्ष पद के नाम निर्देशन प्रक्रिया में कुल 2 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे, रेखा हेमंत सोनी वार्ड क्रमांक 7 पार्षद और विमल राजेंद्र यादव वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद। विमल राजेंद्र यादव ने कुल 11 मत प्राप्त कर नगर परिषद कसरावद के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचित हुई हैं। द्वितीय अभ्यर्थी रेखा हेमंत सोनी को 4 मत प्राप्त हुए हैं। नगर परिषद कसरावद में कुल 15 वार्ड हैं। नव निर्वाचित अध्यक्ष विमल राजेंद्र यादव इंडियन नेशनल कांग्रेस से पार्षद पद के लिए अभ्यर्थी थी। कसरावद से अकील खान की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे 10 पार्षद कसरावद शहर में जीत कर आए थे। आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव थे, उसमें हमारी पार्टी को अध्यक्ष में 11 मत और उपाध्यक्ष में 10 मत मिले हैं। हम शहर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करते हैं कि कसरावद शहर की जनता ने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास किया। हमारे नेता माननीय अरुण यादव जी और हमारे विधायक जी आदरणीय सचिन यादव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनने हम पर विश्वास करके हमारे पार्षद साथियों को टिकट दिया और कसरावद शहर की जनता ने उनको भारी बहुमत से विजय बनाया। अब वास्तव में हम हमारे विधायक महोदय के नेतृत्व में कसरावद शहर की एक विकास की नई इबारत हमारी परिषद लिखेगी। हम पुनः कसरावद शहरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करते हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे 10 पार्षद कसरावद शहर में जीत कर आए थे। आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव थे, उसमें हमारी पार्टी को अध्यक्ष में 11 मत और उपाध्यक्ष में 10 मत मिले हैं। हम शहर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करते हैं कि कसरावद शहर की जनता ने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास किया। हमारे नेता माननीय अरुण यादव जी और हमारे विधायक जी आदरणीय सचिन यादव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनने हम पर विश्वास करके हमारे पार्षद साथियों को टिकट दिया और कसरावद शहर की जनता ने उनको भारी बहुमत से विजय बनाया। अब वास्तव में हम हमारे विधायक महोदय के नेतृत्व में कसरावद शहर की एक विकास की नई इबारत हमारी परिषद लिखेगी। हम पुनः कसरावद शहरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।